सो गाइस अभी हम हांडी में चालू कर रहे हैं वेज बिरयानी बनाने के लिए। तो पवन जी यहाँ पे हमको एक एक इंस्ट्रक्शन बताएंगे क्या क्या करना है। पहले हमने इसमें थोड़ा सा ये लिया है देसी घी हांडी में, और उसको हम गर्म होने देंगे। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम होल स्पाइसी खड़े मसाले। ओके, तो अभी हमारा जो है घी गर्म हो रहा है धीरे धीरे हांडी के अंदर, और इसके बाद जो है इसके अंदर हम खड़े मसाले डालेंगे। हमने काली मिर्च डाली है, दालचीनी, थोड़ा सा तेज पत्ता, ज़्यादा भी नहीं डालने, नहीं तो फिर हर बाइट में मुँह में आएंगे खड़े मसाले, मुँह में आते हैं, इसलिए बस इनका फ्लेवर होना चाहिए, अरोमा जो है इनका चाहिए। जी जी, उसके लिए करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ब्राउन ऑनियन, ये पहले से हमने फ्राई करके रखी हुई है, थोड़ी सी दही, मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने का एक अलग ही टेस्ट आता है। और इसमें डालेंगे हम वेजिटेबल्स, थोड़ी सी हमने बीन्स डाली है, सबसे पहले बीन्स डाली है हमने, थोड़ी सी गोभी, थोड़ी सी कैरेट, और थोड़ी सी हरी मटर डाली। जी, यहाँ पे आज जो है हमने मंदी कर रखी है। अब हम डालेंगे इसमें मसाले, पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे हमारा जो है मसाले आ रहे हैं, यहाँ पे ये लाल मिर्च डाला है, इसके बाद आ रही है हमारी हल्दी, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग, यहाँ पे किचन किंग भी डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी डाल दी हमने इसमें कसूरी, ये कसूरी मेथी आ गई है इसमें। देखिए अभी जो हम मिला रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हांडी के अंदर। अभी हमारी जो है वेज बिरयानी बन रही है, तैयार हो रही है, और इसी तरीके से करछी को जो है चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है और सब्जियों में पूरी तरीके से लग जाए और एक पक जाए अच्छे से। तो गाइस हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि वेजिटेबल्स हमारी जो है पूरी तरीके से पक जाए, और अब जो है इसके अंदर क्या डाल रहे हैं पवन जी? ये खास्ते का मसाला तैयार किया हमने। अच्छा, जावित्री और इलायची का पाउडर। तो जावित्री और इलायची का पाउडर जो है इसके अंदर डाल रहे हैं, बिरयानी के लिए बनाया जाता है ये मसाला। अच्छा, हम इसमें डाल रहे हैं, इसको डालने से अलग ही फ्लेवर आता है। तो अभी अब दम लगा के हिशा करेंगे इसके अंदर, ठीक है, चावल डालने के बाद जैसे ही हमारी सब्जियाँ पक जाएंगी तो चावल डाल के उसको दम लगाया जाएगा। देखिए बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर निकल कर आ रहा है इस समय, और जब बन जाएंगे तो कितने मज़ेदार लगेंगे। तो अब हमारी सब्जी जो है बनके तैयार है, तो यहाँ पे हमने जो है पहले से बिरयानी राइस जो पहले से तैयार कर रखे हैं उनको हम इसके अंदर मिलाएंगे अच्छे से। ये इस तरीके से डालने हैं कि राइस टूटे ना बिल्कुल, क्योंकि जहाँ बिरयानी राइस टूटा वहाँ फिर वो बिरयानी का देखने में और बिरयानी का जो एक मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। बहुत ही सावधानी के साथ इसमें राइस डालने हैं, सुंदर सुंदर चावल। उसके बाद हम इसमें दोस्तों जिसको मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू पसंद है, मतलब होता है ना कि बारिश की बूंद पड़ती है जब मिट्टी में तो खुशबू आती है, तो वैसा ही कुछ टेस्ट आता है मिट्टी में बने बर्तन को के अंदर बने खाने से। प्राउड फील होता है हिंदुस्तान की मिट्टी की खुशबू आती है इसमें। अब इसमें थोड़ा मिट्टी की जो खुशबू है वो आपको जो है हल्का सा इसके अंदर आपको फ्लेवर मिलेगा। और यहाँ पे हमने घी डाल दिया है ऊपर से, अब इसकी बेसिकली लेयर्स तैयार कर रहे हैं हम जो है। पहले हमने वेजिटेबल्स डाली, उसके बाद ये राइस डाल दिए। यहाँ पे जो है अब इसमें एक ढक्कन जो है केवड़ा जा रहा है ताकि इसके अंदर खुशबू आए, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन। तो केवड़े की खुशबू प्लस आपकी सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आपकी बिरयानी के अंदर आएगी, अब आपको अलग ही जो है अरोमा फील होगा। फिल्वर लगा रहे हैं, सिल्वर कॉइल लगा के तो पूरी तरीके से दम लगे, और दम लगाने के लिए अब जो है सिल्वर कॉइल लगा रहे हैं हम। ये थोड़ा सा कोई नहीं, अब जो है थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिया हमने, हमने इसमें अब दम लगा दिया है, सिल्वर कॉइल लगा दिया हमने इसके अंदर। करीबन 10 मिनट हम इसी में इसको तरीके से
आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रिप है ढक्कन की भी, और मार्टिसन के प्रोडक्ट आपको इसी तरीके से मिलेंगे एकदम परफेक्ट। तो कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि कुछ लूज में ऐसा है। ऑयल लगाने के बाद हमको जो है आटा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपने ऑयल लगाया इतनी पकड़ इतनी अच्छी है इसकी कि बिल्कुल हवा आखिर भाग जाएगी। कैसा होता है ना कि घरों में आपको आटा लगाना पड़ता है दम लगाने के लिए, बस अपने फॉइल लगानी है, देन उसके ऊपर आपको जो है ढक्कन से ढक देना है और छोड़ देना है दस मिनट के लिए, और 10 मिनट में आपके जो है बिरयानी बनके तैयार हो जाएगी। चलिए देखते हैं गाइस, दम हमारा जो है ऑलमोस्ट लग चुका है। खुशबू तो बाहर तक आ रही है और खुशबू बहुत ही धमाकेदार आ रही है, मज़ेदार खड़े मसालों की गर्मा गर्म देख सकते हैं धुआं निकलते हुए, और हमारी बिरयानी जो है बनके तैयार है एकदम। थोड़ा सा इसको जो है मिला लेते हैं, देखिए वाह वाह पूरी तरीके से चावल भी पक चुके हैं, वेजिटेबल्स भी पक चुकी है, मसालों का फ्लेवर आ रहा है बहुत ही बढ़िया। देख सकते हैं पूरा जो है वेजिटेबल्स हमारा जो है पूरी एकदम रेडी हो चुकी है, और राइस भी हमारे पूरे रेडी हो चुके हैं, दम हमारा लग गया। गर्मा गर्म सर्व करने की देरी है क्योंकि ज़्यादा हिलाएंगे तो फिर राइस टूट जाते हैं। ओके सीधा उनको तो चलिए सर्व करते हैं इनको गर्मा गर्म हमारी वेज बिरयानी को।